Slugbrain! Slugbrain! सब डॉक्टर ब्लैक के गार्ड्स को संभालो। समझो काम हो गया। इससे पहले कि लॉक और लोड वो चीज डॉक्टर ब्लैक तक पहुंचाए, मैं उन्हें रोक लूंगा। पर हमें पता नहीं कि वो चीज करती क्या है इलाय। क्या पता वो किसी का लंच बॉक्स हो। मुझे ऐसा नहीं लगता। चलो चले। ओके स्पिनर, बहुत अच्छा काम किया स्पिनर। बॉबी अब तुम्हारी बारी है। जूल्स तुम इसके बाद। बाय बाय गॉड्स। दिख रहा है कि तुम ये लोग लॉक और लोड को नहीं रोक पाएगी। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था ताकि हम सब मिलकर उन्हें रोक सके। तुमने बहुत देर कर दी। लगता है कि अब हम नहीं बचेंगे। दिखाओ चिल्लर। सब ठीक तो है ना? हाँ, चिल्लर की बदौलत। इलाय हमें जाना होगा। अगर लॉक और लोड ने उस लंच बॉक्स को ब्लैक तक पहुंचाया तो। हाँ जानता हूँ बॉबी, हम तुम सबको घर पर मिलते हैं। वो हम लोगों से पहले पहुँचेंगे जी। इनके बाद ऐसे सीक्रेट तरीके हैं स्लग तेरा में झूमने के, जो इन स्लग्स ने मुझे नहीं बताया। Hey, देख कर पागल कहीं के। इलाय, वो आगे निकल रहे हैं। ग्लिमर और सर्ज से उन्हें रोकने में बहुत मुश्किल होगी। तो मैं रोकती हूँ। ब्लास्टर दिखाओ अपना कमाल। आ, 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 आ,
बस चलते रहो, मैं डॉक्टर ब्लैक से निपट लूंगा। ये तुम लोगों ने पहले क्यों नहीं किया जी? मैं उन्हें उड़ाना नहीं चाहती थी। जब तक वो दोनों डॉक्टर ब्लैक तक नहीं पहुंचते, तब तक डरने की कोई बात नहीं है। पर मैं ये जीत अपने स्लग्स के साथ मनाना चाहता हूँ। घबराओ मत इलाई, स्लग्स हमेशा की तरह घर पहुँच जाएंगे। हाँ सही कहा, मुझे यकीन है जब तक हम घर पहुँचेंगे तब तक स्लग्स घर पर एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे होंगे। इस गुफा से कई बार घर गए हैं, लेकिन आज यहाँ कुछ अलग लग रहा है। बिल्कुल जी, पिछली बार जब मैं आया था तब ये शहर बड़ा खुश था। बिल्कुल सही कहा अजनबी, जब तक कि मंच नहीं आया था। मंच? वो हमारे शहर में आया है, चट्टान की तरह बड़ा, लोहे की तरह मजबूत। उसने आते ही हमारे घर का सारा खाना खा लिया। क्यों ना हम उसके छक्के छुड़ा दें इलाय, मतलब हरा दें। मंच को कोई नहीं हरा सकता। तुम और तुम्हारे स्लग्स मंच को चैलेंज कर रहे हो। अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो तुम्हें ये शहर हमेशा के लिए छोड़कर जाना होगा। तो ही मैं द्वंद्व युद्ध के लिए तैयार हूँ। इलाई? हाँ, अभी नहीं ट्रिक्सी, मैं जरा बात कर रहा हूँ। ट्रिक्सी क्या बात है? तुम्हारे स्लग्स पूरे स्लग्स नहीं है, याद है ना? ओह कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपना ब्लजन दूंगा। और प्रोटो तुम्हें मौका देता है कि तुम उसके फ्लॉटर हिंकिस और उसके बदबू फैलाने वाले स्लग से लड़ाई कर सको। कोई मदद नहीं लेगा। तुमने कहा कि तुम और तुम्हारे स्लग्स मंच से द्वंद्व युद्ध करेंगे और तुम यही करोगे। तुमने सही शर्त रखी थी इलाई। इलाई शेन को हराने के बाद मंच गुफाओं का राजा बनेगा। बहुत अच्छे इलाई, अब मेरे ये स्लग्स मंच के ताकतवर स्लग्स के खिलाफ लड़ेंगे, जबकि बर्पी और दूसरे स्लग्स घर पहुंचकर नहा रहे होंगे। वाकई लगता है कि तुम घर जाकर बर्पी और दूसरे स्लग्स को वक्त पर वापस ला सकते हो? हम जरूर आएंगे इलाय। रुको, क्या बर्पी और दूसरे स्लग्स? मैंने तुमसे कहा कोई मदद नहीं लेनी है।
बर्पी मेरा स्लग है, वो बस यहाँ नहीं है अभी तक। बहुत बुरा हुआ क्योंकि हम द्वंद्व युद्ध करेंगे अभी। वक्त आ गया है जी मशहूर मेलानॉइड दुकान का। वैसे भी यार तुम्हें वो लजीज खाना खाने में बहुत मजा आया होगा ना, पर एक नजर यहाँ देखो, मेरा ये बेहतरीन आइसक्रीम खाकर तुम्हें अपने बचपन की याद आ जाएंगी जी। अच्छा मंच समझ गया, तो तुम मुझे उल्लू बना रहे हो, पर कोई फायदा नहीं, मंच तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाला। या वह इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता। शुक्रिया प्रॉन्टो, पर मैंने ये चैलेंज स्वीकार किया है। ग्लिमो और सर्ज भले ही बर्पी और जूल्स की तरह आतिशबाजी ना कर पाए, पर हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक कॉर्ड और ट्रिक्सी वापस नहीं आते। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ओ माफ कीजिए भैया, शुरू करो द्वंद्व युद्ध। ओके, शायद मुझे लगता है अब एक छोटी सी प्रॉब्लम है। बिल्कुल वहां हो जहां मैं चाहता हूं। चलो जाओ ग्लिमो, बताओ तुम क्या कर सकते हो। ओ ठीक है, तुम यही कर सकते हो। जब उन्हें पता चलेगा कि हमने उनकी नई चीज तोड़ी है। तुम्हारा मतलब जब मैं उसे बताऊंगा कि ये तुमने तोड़ा है। शायद वो हमें घूल को खिला देगा। दोस्त, लगता है नसीब हमारा पूरा पूरा साथ दे रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर ब्लैक खुशी से पागल हो जाएंगे जब वो इलाई शेन के चहिते स्लग को घूल बनाएंगे। मैंने पकड़ लिया।
बोरा पकड़ो उसे। अब तुम बचकर कहां जाओगे? भाग गए। कबरना मॉल, बढ़िया, मुझे नए शूज चाहिए। उन स्लग्स के पीछे चलो वरना तुम्हें बहुत पीटूंगा। कभी कभी लगता है कि तुम मेरे सच्चे दोस्त ही नहीं हो। वहां देखो उस पर्स में। हटो, सामने से हटाओ। हार मान लो स्लग्स। चुप हो जाओ दादी माँ, कहाँ गए वो? गलत जगह हाथ डाला तुमने। बिल्कुल सही जगह हाथ डाला लड़कों। इस पर्स के अलावा और कहाँ जाना चाहते हो? जहाँ हम चाहते हैं, मॉल का। पकड़ो उसे। हमने उन्हें खो दिया। ज्यादा देर के लिए नहीं। वाह, बहुत ही अच्छा मीका बीस्ट है। ये। बस हो गया इलाय, अगर तुम्हारे स्लग्स बेकार है तो उसे और किसी चीज से मारो। मेरे स्लग्स बेकार नहीं है, मुझे बस इन्हें ठीक से इस्तेमाल करना सीखना होगा। चलो अपना कमाल दिखाओ सर। देखा सर्ज क्या कर सकता है? यकीन है कि डॉक्टर ब्लैक बहुत खुश होंगे अगर तुम उनके सामने शेन के चहीते स्लग को पेश करोगे तो। अब हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। मैं तुम्हें हरा सकूं। तुमने कर दिखाया, उन सबके आने तक तुमने मुझे बचाया। क्या बात है, एक मिनट और देर होती तो मैं नहीं बच सकता था। वो भी कहाँ है? माफ कर दो इलाय, पर अगर वो नहीं है तो फिर Oh!
जल्दी भागो। शायद हम जीत नहीं सकते, पर तुम फिर भी कोशिश करना चाहते हो? बूबी, जूल्स, यकीन नहीं होता तुम यहाँ हो। हाँ, और वो मेका चला रहे हैं। यकीन नहीं हो रहा कि इस लग ऐसा भी कर सकते आए। लगता तो बिल्कुल ऐसा ही है। ये तुम्हारे स्लग्स है? हाँ। बिल्कुल नहीं, दो फ्लॉप स्लग्स के साथ तुम अब तक लड़ते रहे। मैं मेका चलाने वाले स्लग्स के साथ नहीं लड़ सकता, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। उसकी बात मत सुनो, तुम फ्लॉपर्स नहीं हो, तुमने मुझे बचाया है। तुम लोगों को देखकर अच्छा लगा, पर तुम थे कहाँ पर? वो जरूर वक्त पर बात कर रहे होंगे जी, तुम्हारे पीठ पीछे स्लग्स यही करते आए। तुम असली स्लग्स का नसीब अच्छा है कि प्रॉन तो यहाँ था जिसने अपने दिमाग से सबको बचा लिया, पर तुम लोग क्या कर रहे थे? वक्त बर्बाद कर रहे थे क्या? द स्लग टेरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है सर। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आपकी मदद से हम क्या क्या कर रहे हैं। SIT हमेशा से अपने अनोखे रिसर्च के लिए जाना जाता है, और ये रहे हमारे दो टॉप साइंटिस्ट्स। टोबायस ग्रेविटी से ग्रेविटी को लेकर नए नए अजूबे कर रहे हैं। ये देखकर आपको खुशी जरूर हुई होगी। एक बार मेरी जीरो ग्रेविटी मशीन से खराबियां सुधार दो, उसके बाद स्लग टेरा में हमारा राज होगा। कैथरीन के पास साउंड को लेकर बेहतरीन आइडिया है। साउंड दिखाई नहीं देती, पर उनके इफेक्ट्स काफी पावरफुल होते हैं। और मेरे बारे में क्या प्रोफेसर, क्या तुम मिस्टर मनी बैग के इन्वेंशंस के बारे में नहीं बताओगे? डॉक्टर कोलोस की आर्टिफिशियल स्लग टेक्नोलॉजी पर रिसर्च कर रहे हैं। सर, क्वेंटन की बकवास रिसर्च पर ध्यान मत दीजिए, मैं आपको मेरे कुछ और खोज दिखाता हूँ। मैंने तुमसे कहा था कि दोबारा वापस मत आना, तुम और तुम्हारे पागल रोबोट्स। तुम मुझसे कभी छुटकारा नहीं पा सकते। तुम्हारी एंटी ग्रेविटी मशीन किसी काम की नहीं है टोबायस। और ना ही तुम्हारा ये बेकार सा साउंड एम्पलीफायर। अब चलो फ्यूचर से बात करते हैं, मेरे फ्यूचर से। हमें मदद चाहिए। आज से यहाँ के सारे रिसर्च मैं ही डायरेक्ट करूंगा, ओके? इलाइशेन, तुम्हारी मदद चाहिए, जल्दी। इस गुफा में सिर्फ मेरा साइंस चलता है, देखो मेरा रोबो स्लग्स। गुफा, मैं हमेशा से यहाँ आना चाहता था। ये साइंस की बात छोड़ो जी, मुझे कुछ नहीं जानना, मैं तो अपनी इंस्टिंक्ट्स पे काम करता रहा। और मेरे इंस्टिंक्ट्स कह रहे हैं कि लंच टाइम हो गया, और अगर ये साइंटिस्ट इतने बड़े जीनियसेस हैं, तो ये होटल उन्होंने कहाँ गायब कर दिए? उन्होंने सारे लोगों को कहाँ गायब कर दिया, और मुझे तो कोई स्लग्स भी नहीं दिख रहे। सारे स्लग्स छिप गए हैं, और मैं हूँ कैथरीन। तो तुमने ही बदमाश साइंटिस्ट के बारे में कंप्लेन की थी। क्विंटन हमेशा से ही अजीब रहा है, और इस बार तो उसने सारी हदें पार कर दी। तो क्या किसी ने भी उसका सामना नहीं किया? हम साइंटिस्ट हैं, स्लग्स लिंगर्स नहीं है।
इसीलिए हमने तुम्हें बुलाया है। हाँ, सही कहा। मैं ऐसी दुनिया देखना चाहता हूँ जहाँ लोग सिर्फ मेरे ही रोबो स्लग इस्तेमाल करेंगे। इससे मुझे याद आया, अगर किसी के पास रोबो स्लग मिला तो उसे सजा मिलेगी। मुझे तुम्हारी ये बकवास नहीं सुननी। मेरी बात खत्म नहीं हुई थी। हाँ, मुझे लगता है खत्म हो चुकी है। मैंने सोचा था बात करके हम इसे सुलझा सकते हैं, पर तुम आसानी से मानने वालों में से नहीं लगते। मुझे लगता है कि तुम अब तक मुझे ठीक से जानते नहीं हो, एलाय शेन। मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। तो मेरे काम के बारे में सुना ही होगा। मैं तुम्हें सही काम करने का और लोगों से माफ़ी मांगने का एक आखिरी मौका दे रहा हूँ। नहीं तो हम लड़ेंगे। सही पहचाना। वाह, अब आएगा मजा। तुम्हारे कंधे पर जो स्लग है, मैं उसे खत्म कर दूंगा। तुमने मेरे स्लग्स का मजाक उड़ाया है, ये अच्छा नहीं किया। स्पीशीज इन्फर्नस अटैक मोड्स फ्लैश फायर इन्फर्नस नोवा क्लॉ। उस स्लग से निपटने का तरीका ढूंढो। बूबी, क्या तुम ठीक हो? तो लड़ाई शुरू होने से पहले ही हार गए। मैंने सारी स्लिंगर्स की इन्फॉर्मेशन पहले से ही निकाल कर रखी है, जिसने कभी स्लग शॉट किए हैं, जिसमें तुम, तुम्हारे दोस्त और तुम्हारे डैड विल शेन भी शामिल हैं। वो तुम्हें एक मिनट में हरा देते, मुझे शायद दो मिनट लगेंगे। तुम्हारे डैड भी बिल्कुल तुम्हारी तरह एक स्लग लवर थे। तुमने एक जैसे एराकनेट स्लग की चाल 17 बार लड़ने के लिए इस्तेमाल की है, और तुम्हारी ये चाल इस बार भी नाकामयाब रही है, और मेरे रोबो स्लग्स तुम्हारे बकवास स्लग्स और पुरानी तरकीबों से जीतते ही रहेंगे। तो शायद मुझे तुम्हें कुछ नई तरकीबें दिखानी होंगी। क्या इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है? स्मार्ट स्लग स्लिंगर हमेशा पागल साइंटिस्ट को हरा देंगे क्विंटन। खेल खत्म। खत्म? जब मैं वापस आऊंगा तो तुम्हें दिखा दूंगा। तुम अब भी यही हो? सहीगा, जल्दी से भाग जाओ यहाँ से। हम लोग तब तक थोड़ी, अरे थोड़ी सी पेट पूजा कर लेते ना। हमें उसके लिए तैयार रहना होगा। मुझे लगता है वो जरूर वापस आएगा। वो जरूर अपनी सीक्रेट लैब में गया होगा। होश में आओ कॉड, तुम वीडियो गेम्स को ज्यादा ही खेलते हो। सारे साइंटिस्ट के पास सीक्रेट लैब्स नहीं होती। महान एलाय शेन और उसके बकवास स्लग्स, उसे लगता है कि उसके पास हर ताले की चाबी है। उसे पता नहीं है कि साइंस क्या कर सकता है। अब मैं उसे दिखाऊंगा कि अब आगे क्या होगा। ओ, जरूर यही कहीं होगा। हाँ, जरा एक मिनट रुको जी। हाँ, मुझे लगता है उसके पास ऐसा हथियार होगा जिससे वो हम पर हमला करेगा। ला ले दो जी, उसे अपने खतरनाक हथियार ला ले दो। एक बार प्रॉन्टो अपना पेट भर लिया ना, तो वो किसी भी हथियार से लड़ सकता। बस एक ही प्रॉब्लम आई जी, तुम लोगों के पास इस कैन का ओपनर है क्या? अब
मेरा दिन और भी बुरा होगा जी। ओ, तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे साथ आगे क्या होने वाला है। अब तैयार हो जाओ मुकाबले के लिए। निकास पर चलो। गॉड उस पर हमला करो। इलाय, अब क्या करें? बस जिंदा बचो। Frost Crawler Slug, Fireball Protection. Flopper Slug. Protection की जरूरत नहीं है। चेक कर रहा था। उसका कोई वीक स्पॉट जरूर होगा। बकवास शॉर्ट ट्रिक्सी, पर मेरा कोई वीक स्पॉट नहीं है। तुम और तुम्हारे ये बकवास लग ही सबसे बड़े वीक स्पॉट हो। तो अब क्या करें? मुझे ये कहना पसंद तो नहीं, पर भागना होगा। बस इतना ही? भागो स्लग लवर्स, मेरी कमाल की टेक्नोलॉजी से डरकर भागो। देखा, इलाय शेन भी तुम्हें मुझसे नहीं बचा पाया। ये तो काफी शर्मनाक बात थी। देखो, ऐसी कोई बात नहीं है। क्विंटन के पास कमाल की टेक्नोलॉजी है, इसका मतलब ये नहीं कि वो जीत गया। मेरा हॉपरॉक्स लग तो उसे छू तक नहीं पाया। अरे हुलिया, हुलिया, हुलिया! रुको, 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 रुको! तुम उस बेकसूर पत्थर को क्यों मार रहे हो? मैं सिद्धि गेंद को इस पत्थर से खोलने की कोशिश कर रहा हूँ जो नहीं खुल रहा जी। हाँ, खुल्या, खुल्या। अच्छा हुआ तुम सही सलामत वापस आ गए, पर इस आवाज से तुम सेफ नहीं रहोगे। नहीं? मैं एक जगह जानती हूँ जहाँ हम छिप सकते हैं। एक सीक्रेट लैब होगा शायद। ओह प्लीज। ठीक है, मैं गलत थी। सभी साइंटिस्ट के पास एक सीक्रेट लैब होता ही है। वैसे क्विंटन की प्रॉब्लम क्या है? वो स्लग से नफरत क्यों करता है? वो सिर्फ नफरत नहीं करता, वो उनसे डरता भी है। वाकई? ये सुनकर अच्छा लगा। तब से जब वो एक्सीडेंट हुआ था, जब हम छोटे बच्चे थे, जब हम स्लग बायोलॉजी डिपार्टमेंट फील्ड ट्रिप पर गए हुए थे, क्विंटन को हमेशा से बंद दरवाजे खोलना अच्छा लगता था। वो वहाँ 2 दिन था जब तक सिक्योरिटी ने उसे ढूंढ नहीं लिया। तब से वो बिल्कुल बदल गया है और उसकी सारी खोज स्लग्स के बगैर जीने पर है। हाँ, स्लगोफोबिया, शायद इससे बात बन सकती है। अरे जालिम और जिद्दी खान, तू अपनी जिद से मुझे बहुत बहुत गुस्सा दिला रहा है। ओके। प्रॉन्टो, तुम एक जीनियस हो। क्या? जीनियस? क्या कहा? मैं जीनियस हूँ जी। मैंने क्विंटन को हराने का तरीका ढूंढ लिया है, पर कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत है। जो चाहिए वो सब हमारे पास है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी हमें थोड़े वक्त की जरूरत है। उसके लिए मेरे पास कुछ अच्छे आइडियाज है। ये कितना बोरिंग है। महान होने का फायदा क्या है अगर मैं लोगों पर राज नहीं कर सकता हूँ तो? इलाय शेन, मैं राउंड 3 के लिए तैयार हूँ, तुम कहाँ हो? अभी वो बिजी है, पर मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। फिर आ गए तुम एंटी ग्रेविटी लेकर? तुम कब सुधरोगे? उससे मेरा तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मुझे इसके लिए मेरा रोबो स्लग भी वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। जितना तुम खुद को स्मार्ट समझते हो, ये पत्थर फेंकते वक्त तुम उतने ही जंगली लगते हो। शर्म की बात है। भागो, भागो जंगली, तुम मुझसे नहीं बच पाओगे। बस तुम्हें इतना ही याद रखना है,
घबराओ मत नूडल, तुम ये कर पाओगे। बाबा मुझे नहीं लगता कि एक बेकार स्लग हम लोगों को जीता सकता जी। कोई भी स्लग बेकार नहीं होता प्रॉन्टो, फ्लॉपर्स भी नहीं। टोबियास हार गया है, मैं जा रही हूँ। याद रहे उसे बस रोकना है, हीरो बनने की कोशिश मत करना और खुद को चोट मत पहुँचाना। अच्छी सलाह है। जाओ वापस अपने लैब में। क्या बात है टोबियास, क्या हुआ, कुछ कहोगे नहीं? मेरे पास कहने के लिए कुछ है। इसमें मजा आएगा। ये तो शायद कैथरीन की आवाज है। उसके सामने कभी चिल्लाने की शर्त मत लगाना। कॉर्ड, काम हो गया? जाने के लिए तैयार? तो तैयार हो जाओ दोस्तों, चलो अब इस क्विंटिन को हराया जाए शेन गैंग स्टाइल में। मुझे जाने दो क्विंटिन। 400 डेसिबल में भी तुम्हारी आवाज में दम नहीं है। उसे नीचे रखो क्विंटिन। हमारा ये नया मेगा मेगा मैक तुम्हारे उस पुराने मेका को चुटकी में हरा देगा। उसे आराम से नीचे रखो क्विंटिन और अपने हाथ ऊपर करो, हम तुम्हें हराने वाले हैं। मजाक अच्छा था। मैं इस मशीन पर सालों से काम कर रहा हूँ, तुम्हें ये बकवास मशीन बनाने में कितना वक्त लगा? 5 मिनट? 45 मिनट, समझे? इसे बर्बाद करने के लिए मुझे इससे भी कम वक्त लगेगा। तीन हिस्से बर्बाद हो चुके हैं बुरी तरह से। जरा करीब जाकर उस पर ट्रिपल कॉम्बो से हमला करो। हाई सटैक इन्फर्नस प्रोटेक्शन डाउनलोड कर लिया, ये कितना बोरिंग है। रीटार्गेटिंग। हाई फाइव ट्रिक्सी। पता है स्लग के बारे में एक प्रॉब्लम है, उन्हें ढूंढना पड़ता है, ट्रेन करना पड़ता है, उनका ख्याल रखना पड़ता है, पर हम ये सब क्यों करें जब हम अनगिनत स्लग्स पैदा कर सकते हैं, और मेरे पास ये है। उसने हमला कर दिया है, राइट में चलो। नहीं लेफ्ट जाओ। मेरे राइट को भी तुम्हारे राइट को। कोई बात नहीं ट्रिक्सी। कॉर्ड, तुम्हारे पास दूसरा हाथ है ना, उसे इस्तेमाल करो। ये क्या, अब क्या करें इलाय? जैसा कि तुम जानते हो इस प्लान के 87% चांसेस है फेल होने के। इलाय अपना काम कर रहा है, हमें अपना काम करना चाहिए। अब देखने की बात यह है कि मैं तुम्हें और कितनी देर तक परेशान करूं। चलो चलो। अरे यार रुक जाओ। शायद थोड़ी देर और। गैरोस जल रहे हैं, ये मशीन अब ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली। देखो भी आज टेक्निकली तो लगता है कि हमारा अंत होने वाला है। कंट्रोल छूट रहा है। मेरा भी। या मैं पूरे कंट्रोल में ही हूँ। Oh!
शर्मनाक बात है। अब तो मैं छोड़ूंगा नहीं, कोशिश करके देखो। हिम्मत के साथ देता हूँ। और एक बात याद रखो, तुम्हें हराते वक्त मैं तुम्हें तुम्हारी आंखों में देखना चाहता हूँ। क्या तुम्हें लगा हम एक रोबोट बना रहे हैं तुम्हारे रोबोट को हराने के लिए, वो भी सिर्फ 45 मिनट में? तुम्हें क्या लगता है हमें इतनी भी समझ नहीं है? हमने तो बस एक कैन ओपनर बनाया है और तुम इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो कि तुमने मुझे ये करने का मौका दिया। अपना कमाल दिखाओ नूडल। फ्लॉपर स्लग मेरे ऊपर। वक्त आ गया है। मैं यहाँ हूँ मिस्टर स्मार्ट, जहाँ सब शुरू हुआ था। और खत्म मैं करूँगा, तुम्हारे लिए ड्रॉ हो जाएगा। ब्लास्टर खाली है, मैंने यहाँ तक आने के लिए सारे स्लग्स खत्म कर दिए। यहाँ आओ, तुम्हें हराते वक्त मैं तुम्हारी आंखों में देखना चाहता हूँ। तुम हराओगे मुझे, वो भी बिना ब्लास्टर और काल्पनिक स्लग्स के साथ? मेरा ब्लास्टर खाली है इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास स्लग्स नहीं है। बहुत अच्छे दोस्तों, तुम्हें ट्रांसफॉर्म भी नहीं होना पड़ा। बहुत अच्छे इलाय, अच्छा है ये चीज टूटी नहीं जब तक वो, वो। तुमने मुझे बचाया। बस करो, गुदगुदी हो रही है। मुझे कुछ नहीं हो रहा है, पता नहीं मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं। शुक्रिया, चलो शुरुआत तो अच्छी है। जज साहब यहाँ आने ही वाले हैं, तुम्हें उन्हें बहुत कुछ कहना होगा क्विंटिन। इस बीत का जो बोलने का आसान तरीका भी होगा जी। अब तुम्हारे हवाले। ए, तुम तो मेरे वकील नहीं हो। बहुत जल्दी पहचान लिया, सुना है कि तुम स्मार्ट हो और तुम्हें पता है मैं स्मार्ट लोगों की बहुत इज्जत करता हूँ।